Good morning, students. In the last video, we have discussed about cotton and jute, which are plant fiber. So, up to the last video, we have discussed all about the fiber and its classification. Now, the next step will be the formation of yarn from the fibers. As we have discussed in the earlier videos, that fiber is the thinnest thread of a yarn, or you can say fiber is the thinnest part of the thread. So now first question is, how fabrics are formed from fibers? So our basic aim of making fiber is to make a fabric, that is to make a cloth. We have discussed here all the types of fibers. So all these fibers are converted into yarn, and then fabrics are formed from yarn. That is, जो सारे फाइबर हमने अभी तक बना लिए हैं, that may be plant fiber, that may be animal fiber, that may be synthetic fiber as well, उन सब से हम यार्न का फॉर्मेशन करेंगे. और फिर यार्न के फॉर्मेशन के बाद हम यार्न की हेल्प से फैब्रिक जैसा हमें चाहिए वैसे के हम फॉर्मेशन कर लेंगे. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज हाउ वी कैन फॉर्म यार्न फ्रॉम फाइबर. कि अब हमें यार्न तो फॉर्मेशन करना है, फाइबर तो हमने बना लिया है, बट हाउ वी कैन फॉर्म द यार्न. सो this is spinning. The question is, what is spinning? The process of making yarn from fiber is called spinning. In simple term, you can say, in spinning process, जो हमारे पास एक bulk में cotton wool है, उसके हम fiber को लेते हैं और फिर उन fiber को एक दूसरे के साथ में twist करते हैं, that is कि एक दूसरे के साथ में उनको add on करते हैं. इस तरह से हमें एक फाइबर की हेल्प से हमें यार्न का फॉर्मेशन हो जाता है. सो इन स्पिनिंग फाइबर फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वुल आर ड्रोन आउट एंड ट्विस्टेड, दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न. इस प्रोसेस से हमें यार्न का फॉर्मेशन हो जाता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विल बी, कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेज है जो हमें इस यार्न के फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, यूज में लेते हैं. सो इसके लिए जो डिवाइसेज है वो हमारे पास बेसिकली है तकली और चरखा. तो डिवाइसेज फॉर स्पिंडल, स्पिंडल इज बेसिक मीनिंग इज फॉर्मेशन ऑफ यार्न, दैट इज अगर कॉटन की टर्म्स में हम बोले तो जो कॉटन को जो कातना होता है, जो सूत को जो कातना होता है, बेसिकली फाइबर से जो थ्रेड बनाना होता है, दैट इज यू कैन से सिंपली. तो डिवाइसेज यूज फॉर स्पिंडल आर तकली एंड चरखा. अब चरखा की जो बात है वो हम क्या देखेंगे कि चरखा जो था वो गांधी जी के थ्रू बेसिकली इंडिपेंडेंस मूवमेंट के ड्यूरेशन में ज्यादा पॉपुलर हुआ था. गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने लोगों को एनकरेज किया था टू वियर क्लोथ्स ऑफ खादी, एंड खादी वॉज ए होम स्पन यार्न विच इज मेड विद द हेल्प ऑफ चरखा. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ चरखा एंड दिस इज ए तकली. तकली सिंपली अ डिवाइस टाइप ऑफ रोड. दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ यार्न फ्रॉम द फाइबर. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ फैब्रिक फ्रॉम यार्न. थैंक यू.